देखो हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। हालांकि अब तो सबको याद हो गया है सब कुछ। देखो इस यूनिट ऑफ लाइफ में मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जो नीट में पूछे गए हैं। सबसे पहला कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों बोला गया है, ये आपको क्लियर हो गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक होने की वजह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों, क्योंकि सारे वाइटल जो फंक्शंस हैं वो सेल परफॉर्म करेगा। इसके बाद इसमें आपने देखा था दो टाइप, यूनिसेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। इफ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ एंड देयर इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देन इट इज यूनिसेलुलर। एंड मल्टी सेलुलर मीन्स देयर आर सेवरल सेल्स are involved and there are specific functions, means they have proper division of labor, sorry. And फिर हमने साइंटिस्ट के नाम में सबसे पहला नाम जो डिस्कस किया था रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। लेकिन लिविंग सेल्स या लाइव सेल्स के लिए नाम आएगा हमेशा एंटोन वॉन लीवेनहॉक का, जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने बैक्टीरियंस, प्रोटोजोन्स और स्पर्मेटोजोआ, आरबीसीज, इन सबको देखा अपने माइक्रोस्कोप से और डायग्नोज किया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन वाला पॉइंट बनता है दैट इज सेल थ्योरी। इन 1838-39 स्लाइडन एंड स्वान प्रपोज्ड सेल थ्योरी, लेटर ऑन विच वाज सपोर्टेड बाय रुडोल्फ विरकॉ, जिसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी से एसोसिएट करते हैं। इसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मींस न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हमने ओवरव्यू देखा था सेल का कि सेल के अंदर एक आउटर बाउंड्री है जिनको हम सेल एनवेलप कहेंगे। अगर प्लांट सेल है या बैक्टीरियल सेल है या फंगल सेल है तो इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होगी दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज लिविंग इन नेचर। फिर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करी थी, जिसमें जितने किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। खास क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ये सारा डिटेल में मैंने आपको बताया था, फिर से सुन लो। इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो इनका सेल एनवेलप है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल और अ स्लाइम लेयर। कैप्सूल के फॉर्म में होंगे तो ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेंगे होस्ट की इम्यून सिस्टम से, ये कैप्सूल उनको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर स्लाइम लेयर की फॉर्म में है तो वो उनको डेसिकेशन या न्यूट्रिएंट या वाटर लॉस से उनको प्रिवेंट करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर इसमें हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था कि सेल वॉल जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, कंपोज्ड किससे होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन के दो फॉर्म में है, नैम और NAC, N-acetyl muriamic acid and acetyl glucosamine. अब इस सेल वॉल की इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि ये उनको बर्स्टिंग, कोलैप्सिंग इन सब से बचाता है और प्रिवेंटिव रोल मेनली प्ले करेगा। और इसके अंदर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, जो हमने एक लाइन में बोला था कि इट इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक, फिर हमने सरफेस स्ट्रक्चर्स की बात करी थी, सीलिया, फ्लैजिला, फिम्ब्री की, और इसमें हमने लास्ट में बात किया था इनके राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज की। तो राइबोसोम मैंने बोला था 70S टाइप के, और इंक्लूजन बॉडीज विच आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज बॉडीज, जिसमें साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक, ये सारे इन्वॉल्व होंगे जो बेसिकली रिजर्व मटीरियल को प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्टोर करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद दो स्ट्रक्चर और हैं जो आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से, एक मीजोसोम और क्रोमैटोफोर, बोथ आर द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलरिटी शो करता है मीजोसोम, और क्लोरोप्लास्ट से सिमिलरिटी शो करता है क्रोमैटोफोर। तो क्रोमैटोफोर, हाँ हाँ जी बेटा, देखो इस प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हमने डिस्कस किया था यू कैरियोटिक सेल। अब देखो यू कैरियोटिक सेल में हमने खास क्या बताया था, आपको याद करवाया था CMO, C stand for cytoskeletal structures which provide support to the eukaryotic cell and
M stands for membrane bound cell organelles are present only in eukaryotic cell, completely absent in prokaryotic cell. And O stands for organization of genetic material into chromosomes. Eukaryotic cell के अंदर जो genetic content है वो compactly packed होंगे, और यहाँ पर Monera को छोड़ करके आप जितने भी group में देखोगे वो kingdoms, five kingdom classification में, तो आपको सब जगह दिखेगा कि Monera को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रुप हैं उन सब में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे. फिर हमने प्लांट सेल एनिमल सेल को डिस्कस किया था, फटाफट देख लो प्लांट सेल और एनिमल सेल का बेसिक डिफरेंस क्या था. अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखें तो बेसिक डिफरेंस क्या था प्लांट सेल के अंदर, कि यहाँ पे सेल वॉल का प्रेजेंस था प्लस ब्लास्टिड्स प्रेजेंट था जो कि यहाँ पे एबसेंट है. फिर एनिमल सेल में खास क्या था कि यहाँ पर प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स जबकि यहाँ पर है एब्सेंट. इनके अंदर है लार्ज वैक्यूल्स, यहाँ पे निग्लिजिबल या स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो पेरिफेरली प्लेस्ड होगा क्योंकि वैक्यूल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस आप देखोगे ये सेंट्रली लोकेटेड देखने को मिलेंगे एनिमल सेल में. तो ये बेसिक डिफरेंस था. फिर हमने यहाँ पे प्लांट सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था क्वासी फ्लूइड नेचर की इम्पोर्टेंस क्या है, क्विक रिपेयर होगा, डायनेमिक नेचर होता है, और ये डायनेमिक नेचर ही उनको एक्सपेंड करने में या कॉन्ट्रैक्शन में इनमें हेल्प करता है, बेसिकली ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर इस फ्लूइड मोजैक मॉडल में जो सिंगर एंड निकोलसन साहब ने बताया था, इस मॉडल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स ये दो हैं जो इस मेम्ब्रेन को बनाते हैं. लिपिड्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है जबकि प्रोटीन्स जो हैं वो लेटरल मूवमेंट शो करते हैं. चार वर्ड्स भी मैंने आपको बताए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड. सबसे पहला हमने बोला था कि ये सेमी परमीएबल है, फिर दूसरा हमने बोला था ये सेलेक्टिवली परमीएबल है, तीसरा हमने बोला था ये एम्फीपैथिक है, और चौथा हमने बोला था कि ये एसिमेट्रिकल है. बात समझ में आई? तो चारों वर्ड्स याद रखना है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, क्लियर. इसके बाद हमने दो सेल ऑर्गेनिल्स को डिस्कस किया था, दो डिफरेंट टाइप के, एक जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है और एक जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. जो भी सेल ऑर्गेनिल्स इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होंगे दे वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, उनका जो फंक्शन है वो क्या है कोऑर्डिनेटेड वे में है, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं. जबकि जो नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, उनके जो सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हैं दे फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, वो अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म करते हैं, किसी पे डिपेंडेंसी शो नहीं करते हैं. इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम पढ़ रहे थे जीईआरएल. जी स्टैंड फॉर गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स. इनका हमने फंक्शंस एक कोऑर्डिनेटेड वे में मैंने आपको समझाया था कि कैसे ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं. बात समझ में आ गई? इसमें कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, फिर से सुन लो. ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? तो ये है टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली कनेक्टेड होगा न्यूक्लियस से. इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट रिमेन एसोसिएटेड विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर्स बताए थे. एक बताया था सिस्टर्नी जिसके अंदर राइबोसोम की प्रेजेंस बताई थी, फिर हमने बताए थे ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स. यहाँ पर ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स में राइबोसोम की एब्सेंस बताई थी. वेसिकल्स को हमने बोला था ये नॉर्मली ओवल शेप होंगे और यहाँ पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलेगी. फिर ट्यूब्यूल्स भी मैंने आपको बताया था कि ये ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं, यहाँ भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा. ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मेनली इन्वॉल्व होंगे लिपिड एंड स्टीरॉयड के सिंथेसिस में. इसका मतलब इनकी प्रेजेंस SCR में ज्यादा देखी जाएगी और इनकी SCR में नहीं देखी जाएगी. सिस्टर्नी का मेन रोल है
प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होगा राइबोसोम्स। क्लियर यहां तक? फिर इस आरईआर और एसईआर के फंक्शंस बस आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि यहां से फंक्शंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आरईआर को मैंने अभी बताया कि आरईआर इज एसोसिएटेड विद मेनली प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड है एंड इट गिव राइज टू एसईआर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको कल भी मैंने मेंशन किया था, आज भी याद रखना कि आरईआर इट गिव राइज टू एसईआर। एसईआर को कौन बनाएगा? आरईआर ही बनाएगा। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे याद रखना कि ये जो भी एंजाइम सिंथेसिस हो रही है वो प्रोटीन से ही बनेगी, तो आरईआर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात समझ में आ गई? फिर हमने एससीआर देखा था, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खास क्या था कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशलाइज्ड हैं सिंथेसिस के लिए, किसके? लिपिड्स और स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए। एससीआर इज मोर इम्पोर्टेंट देन आरईआर। अगर आप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है, लिपिड और स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? एससीआर। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कई बार क्वेश्चन में आया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये भी एससीआर। बात समझ में आ गई? फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपटेक या रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन्स, अपटेक ऑफ रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, ये कौन गवर्न करेगा? एससीआर। बात समझ में आ गई सारा? एससीआर और आरईआर ये क्लियर हो गया होगा, यहां तक सभी को सब कुछ याद हो गया होगा। अब मेनली जो हमें पढ़ना है वो है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी एपरेटस की हम बात करते हैं, गॉल्जी बॉडी की बात करते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनील है वो है गॉल्जी बॉडी, या इसी को हम गॉल्जी एपरेटस एपरेटस कहते हैं, गॉल्जी एपरेटस। जो पहली लाइन जिससे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है कि सबसे पहले गॉल्जी एपरेटस को ऑब्जर्व किसने किया था, तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गॉल्गी। किस ईयर की अगर हम बात करें तो 1898, 1898 में पहली बार ऑब्जर्व किया था कैमिलो गॉल्गी ने इन नर्व सेल ऑफ उल्लू, नर्व सेल ऑफ आउल, यहां पे इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था। बात समझ में आ गई? और यहां इस गॉल्जी बॉडी के अंदर प्लांट्स के लिए आपको पहले ही बताया था कि इनको यहाँ पे डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट्स के अंदर डिक्टियोसोम्स कहते हैं। अब अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जो इनका स्ट्रक्चर है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। इसके अंदर भी क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो देखना होगा आपको। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो गॉल्जी बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह यहाँ भी सिस्टर्नी प्रेजेंट होगी, सिस्टर्नी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वेसिकल्स होगी, और इम्पोर्टेंट है ये गॉल्जियन वैक्यूल्स, ये गॉल्जियन वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ देख लो, ये जो सिस्टर्नी है ये वैसे ही फ्लैट है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये जो सिस्टर्नी है ये रिजेंबल करती है किसकी तरह? जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी तरह रिजेंबल करेगा। ट्यूब्यूल्स भी स्मॉल फ्लैट है एंड इंटरकनेक्टेड
स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर। ये भी कैसा है? इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स भी, क्लियर। इसके बाद वेसिकल्स की अगर हम बात करें तो ये है स्मॉल राउंडेड सैक्स, स्मॉल राउंडेड सैक्स प्रेजेंट एट द एज ऑफ सिस्टर्नी। ये पॉइंट याद रखना, प्रेजेंट एट द एज ऑफ सिस्टर्नी, ये पॉइंट याद रखना। फिर इसमें मैंने आपको बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गॉल्जियन वैक्यूल्स, गॉल्जियन वैक्यूल्स विच आर लार्ज स्फेरिकल, लार्ज है स्फेरिकल वैक्यूल्स, वैक्यूल्स स्फेरिकल वैक्यूल्स। एंड अब ये टिक करके ये जो पॉइंट लिख रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये कहां पे प्रेजेंट होगा या प्रोड्यूस होगा, तो ये पॉइंट याद रखना, प्रोड्यूस्ड एट मैच्योरिंग फेस। गॉल्जी वैक्यू, गॉल्जियन वैक्यूल्स कहां पे, किस फेस में होगा, मैच्योरिंग फेस। मैंने आपको कल दो फेस बताए थे, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। द फेस विच इज नियरर टू न्यूक्लियस कॉल्ड एज सिस फेस, ठीक, कन्वेक्स होगा शेप का, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उनको हम कहेंगे ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। ये होगा कॉनकेव, कैसा होगा, कॉनकेव। बात क्लियर है? तो ये सारे आपने पढ़े, और इसी गॉल्जियन वैक्यूल से ही कौन डिराइव होगा, कौन डेवलप होगा, लाइसोसोम्स। दोज गॉल्जियन वैक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर्म्स लाइसोसोम। लाइसोसोम किससे बनेगा, गॉल्जी बॉडी के गॉल्जियन वैक्यूल्स अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करेंगे, देन इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स, देन इट फॉर्म्स लाइसोसोम। क्लियर है सभी को यहां तक? अब देखो इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है गॉल्जी बॉडी से रिलेटेड। गॉल्जी बॉडी का एक्चुअल में फंक्शनल रोल क्या है, या इसके अंदर इनकी इंपॉर्टेंस कैसी है, पहले इनका डायग्राम भी देख लो। एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास सेल है, ये प्लांट सेल है, तो इसका न्यूक्लियस पेरिफेरली। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया था, ये ऐसे, ये हमारे पास अगर हम यहां राइबोसोम लगा दिए तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्या, आर ई आर, ये हो गया हमारे पास एस ई आर। अब इन्हीं से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जो इंटरकनेक्टेड नहीं है बेसिकली, जो इंटरकनेक्टेड नहीं है बेसिकली, ये। तो अब ये जो गॉल्जी बॉडी है ये है सिस फेस, या हम इसको कहेंगे फॉर्मिंग फेस ऑफ गॉल्जी बॉडी, फॉर्मिंग फेस ऑफ गॉल्जी बॉडी, जो कॉन्वेक्स शेप का होगा। कैसा होगा, कॉन्वेक्स शेप का होगा, जबकि ये जो फेस है जो न्यूक्लियस से दूर है इसको हम कहेंगे ट्रांस फेस या मैच्योरिंग, या मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस ऑफ गॉल्जी बॉडी, मैच्योरिंग फेस ऑफ गॉल्जी बॉडी, ये है ठीक। ट्रांस फेस ये कैसा होगा, कॉनकेव नेचर का होगा, कॉनकेव नेचर का होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम इनके फंक्शनल रोल की बात करते हैं। अच्छा एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लेना, मैंने लिखा नहीं है, आप जान लेना कि ये जो सिस फेस है इसको हम कहेंगे नियरर टू न्यूक्लियस। ये क्या है, नियरर टू न्यूक्लियस, और इसको कहेंगे अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो कॉन्सेप्ट याद रखना, नियरर टू न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? यानी अगर कोई चीज रिलीज होनी है तो वो ऑब्वियसली कोई चीज अगर रिलीज होनी है तो वो कहां से होगी, मैच्योरिंग फेस से, मैच्योर होने के बाद, प्रोसेस्ड होने के बाद ही रिलीज होती है। तो वो नॉर्मली गॉल्जी बॉडी अगर किसी चीज को रिलीज करेगा तो वो कहां से करेगा, ट्रांस फेस से, ट्रांस फेस से या मैच्योरिंग फेस से। बात समझ में आ गई?
अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं, गॉल्जी बॉडी के फंक्शंस की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं नॉर्मली। पूरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो गॉल्जी बॉडी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, याद रखना, प्रोसेसिंग एक फंक्शन हुआ, पैकेजिंग ये दूसरा फंक्शन हुआ, एंड ट्रांसपोर्ट ये तीसरा। तो इनके तीन मेन फंक्शंस, एक तो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनकी पैकेजिंग कर रहे हैं, फिर उनका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसका, ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय, फिल इन द ब्लैंक, सिंथेसाइज्ड बाय किस, कौन सिंथेसाइज किया इस प्रोटीन को, जल्दी से बोलो, इस प्रोटीन को सिंथेसाइज किसने किया, ऑब्वियसली आर ने, या अगर आर लिखा है तो भी सही मान लेंगे, क्योंकि RER is a part of ER. तो अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी बॉडी परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर जो ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई है ER से, इनका मॉडिफिकेशन कौन करेगा, ये जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स, यही तो परफॉर्म करेगा गॉल्जी बॉडी, यही तो परफॉर्म करेगा गॉल्जी बॉडी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। यहां पे दो प्रोसेस है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कहलाता है ग्लाइकोसाइलेशन और एक कहलाता है ग्लाइकोसाइडेशन। तो याद क्या रखना है, ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है, इसको अभी याद रखो, ये ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन दोनों ही प्रोसेसेस कहां पे होंगे, गॉल्जी बॉडी के अंदर। अब यहां पर ग्लाइकोसाइलेशन किसको कहेंगे और ग्लाइकोसाइडेशन किसको कहेंगे, ये पॉइंट याद रखना कि ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन, एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स ये कहलाता है ग्लाइकोसाइडेशन। देखो हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना लिपिड की बात कर रहे हैं, ड लिपिड, तो साइडेशन, यहां भी डी आ रहा है, यहां भी आ रहा है डी, तो याद रखना ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन, लिपिड ग्लाइकोसाइडेशन, तो याद रखना ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोसाइलेशन, याद हो जाएगा, बोलो, इतनी बातें याद रहेंगी। अब देखो यहां पर इसको पीपीटी याद रखना, गॉल्जी बॉडी से पीपीटी यानी प्रोसेसिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट, किसका, प्रोटीन्स का, कौन कर रहा है, गॉल्जी बॉडी, और ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कौन हो रहा है, कौन कर रहा है, आरईआर। तो ये सारी बातें आपको याद हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनना ग्लाइकोसाइलेशन है, ग्लाइकोलिपिड बनना ग्लाइकोसाइडेशन है। नेक्स्ट, यहां पर अगर हम गॉल्जी बॉडी के दूसरे फंक्शंस की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या, कि गॉल्जी बॉडी हेल्प्स इन फॉर्मेशन, गॉल्जी बॉडी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक एक्रोसोम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस एक्रोसोम पे, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स विच कंटेन्स
हाइलोरूनी डेज एंजाइम। हालांकि ये एंजाइम आप जूलॉजी में पढ़ते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन याद रखना ये एक्चुअल में पॉइंट आप जूलॉजी में पढ़ते हो कि जो स्पर्म का आप डायग्राम बनाते हो ये ऐसे, तो इनके हेड रीजन के अंदर यहाँ पे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली ओवेरियन जो सॉरी जो ओवम की वॉल है उनको ब्रेक करने के लिए ये एंजाइम यूज होता है, हाइलोरोनिडेज। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, इसको हम एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम फॉर्मेशन कौन करेगा? गॉल्जी बॉडी। ये एक्रोसोम फॉर्म कौन करेगा? गॉल्जी बॉडी। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन जो आप गॉल्जी बॉडी का देखोगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट्स के अंदर, जहां पर ये एसोसिएटेड होता है। देखो गॉल्जी बॉडी का यहां पे आप देखोगे रूट कैप सेल्स आर रिच, रूट कैप सेल्स आर रिच इन गॉल्जी बॉडीज। ये रूट कैप सेल्स हैं, रिच हैं गॉल्जी बॉडीज से, जो क्या करेंगी? विच सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस को सिक्रीट कर रही हैं, विच सिक्रीट म्यूकस और म्यूसिलेज, म्यूसिलेज फॉर लुब्रिकेशन ऑफ रूट टिप। देखो ये लुब्रिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देखते हो जब ये रूट्स डीपली पेनिट्रेट करेंगे अर्थ के उस अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रूट कैप सेल्स के अंदर ये फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म कराता है कौन? गॉल्जी बॉडी। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझ में आ गई? बोलो यहां तक सभी को समझ में आया? अब देखो गॉल्जी बॉडी, हमने दो सेल ऑर्गेनेल्स डिटेल में डिस्कस किया अभी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी बॉडी। अब जीआरएल के अंदर जो लास्ट सेल ऑर्गेनेल बचता है वो क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम्स, आपको मैंने पहले ही बोला था कि ये जो लाइसोसोम्स हैं ये टीनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, टीनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, टीनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। और लाइसोसोम को हमने कहा था पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, इसलिए इनको कहा गया है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। एंड ये जो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपने पढ़ा अभी कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो ये कैसे फॉर्म्ड हो रही है? फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी की जो पैकेजिंग हो रही है उसके थ्रू ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये लाइसोसोम्स जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लेस नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम्स। और ये लाइसोसोम्स बेसिकली, याद रखना ये पॉइंट कई बार पूछा गया है नीट के अंदर, लाइसोसोम्स ये हैं रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जैसे हाइड्रोलेजेस के अंदर आप देखते हो
लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो नॉर्मली डाइजेस्ट कर देता है सभी को, सभी को कैपेबल है डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के भी, प्रोटीन्स के भी, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सभी को ये डाइजेस्ट कर देता है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर इन लाइसोसोम्स का जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या हमें बताता है, इसको देखो ध्यान से। ये जो आप देख रहे हो लाइसोसोम्स, इसके अंदर आप डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम्स को, प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये तब होता है कि जब व्हेन दे हैव इनएक्टिव एंजाइम्स, कल मैंने आपको वो बताया था प्राइमरी लाइसोसोम्स जब कॉन्टेक्ट में आता है फूड वैक्यूल्स के, तब ये बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, या हम इसी को कह रहे थे हेटरोफेगोसोम्स। ये क्या है, व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम्स एसोसिएटेड होगा विद, किससे, फूड वैक्यूल से। ये आपको याद आ रहा होगा, फूड वैक्यूल से जब एसोसिएटेड होगा तब हम, जैसे हमने बताया था कि ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फूड वैक्यूल है, इन दोनों से मिलकर के बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब एक और इसके अंदर है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, या इसी को सुई साइडल बैग्स कहते हैं। When they digest itself, कई बार ये क्या होता है, जो एंजाइम है ये ऊजेस आउट हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा खुद को ही डाइजेस्ट कर देता है, तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा गया है, प्लांट्स के लिए याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लांट लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज स्फीरोसोम्स। प्लांट लाइसोसोम्स को हम स्फीरोसोम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्फीरोसोम्स। प्लांट लाइसोसोम्स को हम कहते हैं स्फीरोसोम्स। अब यहां पे एक और पॉइंट लाइसोसोम से याद रखना है आपको, लाइसोसोम्स के लिए याद रखना है कि लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, और यहां पर एच आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब ही तो एसिडिक पीएच होता है या लो पीएच होता है। तो जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम्स होंगे उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहेंगे। ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल्स के साथ मिलकर के बनाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर ऑटोफेजिक, अगर वो खुद, मतलब जैसे यूनियन हो गया प्राइमरी लाइसोसोम्स का और किसी डेड और के चारों तरफ वो सब वो कर दिए और उनको डाइजेस्ट कर दिए, तो उनको हम क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग्स। ठीक, और जो बाहर आता है, जो मतलब अनडाइजेस्टेड होता है, उनको हम रेजिड्यूअल लाइसोसोम्स कहते हैं। जो एक्सोसाइटोसिस जिसका हो रहा है वो होंगे रेजिड्यूअल लाइसोसोम्स। तो इसीलिए इनके अलग अलग फॉर्म्स की वजह से ही इनको कहा गया है क्या, कि ये है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। कैसे हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल।